और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं यहां, जो बहुत बड़ी एक भयावह समस्या आ रही है, आज तलाक बहुत है रहे हैं। उसके पीछे दो कारण है। एक तो कारण यू है कि दहेज को बहुत मोटा कारण है। पीछे तो संस्कार ऐसा है, हमने तो खेत बेके वादो किला और इतने पैसा लगाए दबिय मत, तो भी समस्या है। दूसरा, बेटी अपने माते और सब बात न करती रहे, जबकि हमारे यहां जब ब्याह हो छोरी को तो नहीं कहते हैं कि भैया छोरी को ब्याह को अपने घर की हैगी। हाँ, अपने घर चली गई छोरी, अपने घर की हैगी। अपना घर कौन सा? जा मैं वो पहुंच गया। हाँ, जिस दिन बेटे आपने उस घर में पैर रख दिया, आपकी एंट्री होते ही राशन कार्ड में, आधार कार्ड में और जमीन जायदाद में, घर की संपत्ति में आपका हिस्सा हो गया, तो घर आपका वो है। जबकि पिता की संपत्ति में हो सकता नाम ना हो, लेकिन ये आपका नाम है, तो घर आपका कौन सा? ये। अब आ जा बात या बात की लड़ाई होगी और वो अपने पीर में चली जा, बोल लेने क्यों आ रहा हूं, वो तो मैं तो ना जा रही। अब मैं आपके पास बैठा हूं यहां, वो मेरे घर को लेने को आवा कोई? मेरा घर है, मैं खुद ही जाऊं, मेरा अपना घर है भाई। जब तू उस घर की मालिक है ना, तू हिस्सेदार है, तू क्यों नहीं जाएगी भाई? तेरा अपना घर है। सही बात। रही बात लड़ाई की, तो क्या तेरी मम्मी लड़ाई ना हुई होगी? तेरे पापा पर लड़ाई ना होगी? तू सास ते मम्मी कह रही है और पापा ते पापा कह रही है ससुर ते, तो फिर भाई उनकी भी सुन। और रही बेटा की बात, जो किसी के घर में ब्याया, ये पेन है मेरा 10 रुपया को ले, अगर कोई मुपतिया साइन करने की मांगे ना, तो मैं नहीं देखूंगा, देखो उल्टा ना देख, खराब तो ना कर देगा, सही तो ना किसी देख सब रही है। 25 साल तक अपनी बेटी को पूरी तरह से, उसको कांटो भी लग जाए तो बाप के दिल फटे, एक मिनट भी लेट है जाएगी बेटी, आई कैसे ना स्कूल कॉलेज थे, वो विश्वास के ऊपर तुम अपनी बेटी सौंप रहो पूरा विश्वास करके। आज तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसको सिर में भी दर्द है तो तुम्हारी जिम्मेदारी, उसको इतनी पता ना चले कि उसको पियर कहाँ है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें दी उसने। तो अगर इन दो बातें हम देख लें, वो बेटी तो यू सोच ले, अब मेरे घर यू है, मेरे मम्मी पापा ये रहे, और वो छोरा जाकू ब्याहर वो परिवार वाले जैसे घर में बहू बन का आइए कि हमारी तो बेटी यू रही, यही के संग तो रहना और जिंदगी भर रोटी यू ही देगी हमें, तो रारो ही खत्म है जाइए, डिवोर्स रेट है बिल्कुल ही खत्म हो जाए, खत्म ही आ जाए, कोई बात ही ना रही कुछ भी। तो इस पर चर्चा जरूर करें हमारे जो युवा वर्ग है।